कॉकल डिजिटल लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। कि नवादा केस में एक पॉजिटिव केस कल रात को हम लोगों के संज्ञान में आया है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है एसओपी है उसके अनुसार हम लोग जो पॉजिटिव केस आया उनको हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया और उनके जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं उन सबको हम लोगों ने ट्रेस कर लिया और कल ही हम लोगों ने उनको क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया। अब आगे की प्रक्रिया हम लोगों की ये रहेगी कि जो जो जिनका पॉजिटिव आया है उनका हम लोग पुनः एक बार सैंपल लेंगे और आज ही हम लोग सैंपल को लेबोरेटरी में भेज देंगे और इसके अलावा हम लोग जो भी उनके क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब का भी सैंपल लेके हम लोग लेबोरेटरी में भेज देंगे और इसको प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग जांच करवाएंगे और उम्मीद है कि शाम तक पुनः जो जांच रिपोर्ट है वो हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद ही हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे इस संबंध में। धन्यवाद। ट्रैवल हिस्ट्री जैसा कि अभी तक संज्ञान में आ रहा है, अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल रहा है, 2 तारीख को वो दिल्ली से चले और 3 तारीख को यहाँ पे पहुंचे, लेकिन अभी इस चीज़ की मैं पुष्टि नहीं कर पाऊंगा। अभी हम उसका पूरा ट्रेन का डिटेल्स वगैरह बोगी का डिटेल्स वगैरह निकाल रहे हैं, पूरी जब कंफर्म सूचना मिल जाएगी तभी हम इस चीज़ को पुष्टि करेंगे। मरकज से वो जुड़ा हुआ था जैसा अभी तक मतलब जानकारी में आ रहा है कि वो यहाँ से 21 फरवरी को गए थे, दिल्ली के लिए गए थे, तो वहाँ पे कहाँ गए उसकी पूरी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्या उनका लोकेशन था, क्या एड्रेस था, उनका डिटेल्स वगैरह हम लोग पूरा निकाल रहे हैं और दिल्ली से भी हम लोग संपर्क करेंगे वहाँ के जो लोकल प्रशासन रहेंगे कि उनका क्या वहाँ पे लोकेशन वगैरह रहा है, तो सारी लोकेशन निकालने के बाद ही मैं आपको कंफर्म करूंगा। सर जिलावासियों के लिए कोई और? जिलावासियों के लिए हमारा ये पुनः एक आग्रह रहेगा और पुनः एक अनुरोध रहेगा, पैनिक होने की किसी को जरूरत नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव केस आता भी है तो जो एसओपी है जो प्रोटोकॉल है उसमें हम पुनः जांच कराते हैं, जब तक कि पुनः जांच का रिजल्ट नहीं आ रहा था किसी को भी कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है और सबसे आप सभी जो जिलावासी हैं सबने अभी तक अच्छा सहयोग दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे भी अच्छा सहयोग देंगे और बिल्कुल धैर्य बांधे रहेंगे और अपना घरों में बिल्कुल लॉकडाउन यहां पे पहुंचे, लेकिन अभी इस चीज़ की मैं पुष्टि नहीं कर पाऊंगा। अभी हम उसका पूरा ट्रेन का डिटेल्स वगैरह बोगी का डिटेल्स वगैरह निकाल रहे हैं, पूरी जब कंफर्म सूचना मिल जाएगी तभी हम इस चीज़ को पुष्टि करेंगे। मरकज से वो जुड़ा हुआ था जैसा अभी तक मतलब जानकारी में आ रहा है कि वो यहाँ से 21 फरवरी को गए थे, दिल्ली के लिए गए थे, तो वहाँ पे कहाँ गए उसकी पूरी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्या उनका लोकेशन था, क्या एड्रेस था, उनका डिटेल्स वगैरह हम लोग पूरा निकाल रहे हैं और दिल्ली से भी हम लोग संपर्क करेंगे वहाँ के जो लोकल प्रशासन रहेंगे कि उनका क्या वहाँ पे लोकेशन वगैरह रहा है, तो सारी लोकेशन निकालने के बाद ही मैं आपको कंफर्म करूंगा। सर जिलावासियों के लिए कोई और? जिलावासियों के लिए हमारा ये पुनः एक आग्रह रहेगा और पुनः एक अनुरोध रहेगा, पैनिक होने की किसी को जरूरत नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव केस आता भी है तो जो एसओपी है जो प्रोटोकॉल है उसमें हम पुनः जांच कराते हैं, जब तक कि पुनः जांच का रिजल्ट नहीं आ रहा था किसी को भी कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है और सबसे आप सभी जो जिलावासी हैं सबने अभी तक अच्छा सहयोग दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे भी अच्छा सहयोग देंगे और बिल्कुल धैर्य बांधे रहेंगे और अपना घरों में